हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरवी में। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट 1.3 पार्ट 2 इसका महाराष्ट्र बोर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 हम लोग कर रहे थे सिमिलैरिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 1। ओके, इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 तो पूरे किए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज अभी जाकर चैनल पर वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में से आने वाले हैं बोर्ड में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज हमको थोड़ा सा बेसिक सीखना है। बेसिक में क्या आता है, देखो हमको 3-4 टेस्ट सीखना है। देखो ये होता है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, फिर आता है एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। फिर आता है एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, और एक और आता है, बस इतना ही है। देखो एक और है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए ए ए टेस्ट। अब क्या जरूरत है, जब दो एंगल से काम बन रहा है तो तीसरे एंगल की क्या जरूरत है बताओ। तो इसके लिए मैंने इसको नहीं लिखा। हाँ, यहाँ पर तीनों साइड है, दो साइड एक एंगल। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, अनदर ट्रायंगल इज दिस वन। ओके, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल दिए। ओके, अब दो पहले मैं पहले के समझा, ये इसको छोड़ दो, उतना यूज एक भी जगह यूज होता है पहले के। देखो इसमें ये दिया है और ये दिया है, ये और ये, मींस देखो यहाँ पे दो एंगल जैसे मान। हाँ, देखो इन क्या बोलता इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो मैं इसको रफ करता हूँ, यहीं पे करता हूँ। पहला है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो एंगल ए कॉन्क्रेंट किसके है, एंगल आर के। ओके, और एंगल बी कॉन्क्रेंट है एंगल पी के। ओके, देखो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल क्या कर दिए, कॉन्क्रेंट मीन सेम कर दिए। ओके, सेम कर दिए। अगर ऐसा होता है तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों ट्रायंगल कर देंगे सिमिलर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर किससे, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, पहला काम हो गया ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाए। ये मैं छोटा डायग्राम ले लेता हूं, ए बी सी पी, हाँ पी क्यू आर, ये कॉन्क्रेंट है ए के और ये कॉन्क्रेंट है इसके। ओके, पहले के लिए पहला। अब आ जाओ सेकंड, क्या था सेकंड, चलो मैं एस एस के ले लेता हूँ तीनों साइड के। ओके, तो तीनों साइड में मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। दो ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, फिर एक और ट्रायंगल लेता हूं मैं ए बी सी। हाँ देखो इसका वैल्यू 2 है, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4। ओके, तो देखो पहले क्या करो, रेशियो निकालो। देखो पी क्यू, पी क्यू अपॉन में ए बी बराबर क्या, 2 अपॉन में 2 क्या हो गया 1 आ गया। फिर इसका निकालो क्यू आर अपॉन में बी सी, दोनों क्या है 3 अपॉन में 3 सेम आ गया। तो तीसरा क्या है पी आर अपॉन में ए सी, ये भी क्या है 4 अपॉन में 4 सेम आ गया। तीनों क्या है सेम है 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिखवा इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 से क्या जाएगा, हाँ यहीं पे लिखता ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, फ्रॉम 1 2 एंड 3
तो थ्री वन टू थ्री से क्या जाएगा, वन टू थ्री से क्या होगा, तीनों दोनों ट्रायंगल क्या जाएंगे, कौन कौन बनाएंगे, तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा टेस्ट है, एस 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 टेस्ट है और सिमिलरिटी। ओके ये हो गया दूसरा। अब आ जाओ तीसरे के लिए, तीसरे क्या था, एस ए एस मीन्स क्या है, दो साइड और एक एंगल। ओके टेस्ट, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड अब क्या लेता हूं मैं एक्स वाई जेड, तो ट्रायंगल बना लेता हूं मैं ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहां पे जो है, एक काम करता हूं थोड़ा, चलो ठीक है, यहां पे दिया है ए बी 40 और ए बी 40 हाँ, और ये दोनों क्या है सेम है, तो आप देख सकते हो क्या है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो पहले क्या लिखने का, ए बी इक्वल है एक्स वाई के, फिर एंगल ए बी सी कॉन्करेंट है एंगल एक्स वाई जेड के, फिर साइड बी सी कॉन्करेंट है साइड वाई जेड के। जब ऐसा है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। इसमें क्या आएगा, टेस्ट किसके लिए, टेस्ट पहले एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके तो ये तीन चीज है जो हमको, जो 1.3 है पूरे में सब काम करना है। ओके तो बहुत ही इजी है, आसान से आप कर सकते हो। देखो पहला क्या है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी मींस दो ट्रायंगल रहेंगे, दोनों ट्रायंगल के हम किसी भी दो एंगल को कॉन्करेंट सिद्ध करते हैं। ओके क्या कॉन्करेंट मींस करता है, सर्वांगसम। तो देखो मैंने क्या किया, एंगल ए को पी आर के साथ और बी को बी के साथ मैंने कॉन्करेंट सिद्ध कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ओके फिर से एस 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 मतलब तीनों साइड टेस्ट। ओके इसमें तीनों साइड देखो, इसका वैल्यू सेम, इसका वैल्यू, मैंने क्या किया तीनों का रेशियो निकाल लिया। अगर तीनों का रेशियो सेम आया है तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर और रीजन में क्या आएगा, एस 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 टेस्ट। ओके फिर यहां पे क्या है, एस ए एस साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड में क्या होगा, दो साइड रहेगा और एक एंगल होगा। देखो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड ये साइड सेम है और एंगल एंगल सेम है, तो जो यहाँ पे मैंने देखो सब चीज दिखा दिया, फिर मैंने बताया कि दोनों क्या है सेम। अब देखो अगर जो ये ऐसा हुआ, मैंने क्या किया, ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, उसके बाद क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है, देखो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, हाँ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स के कॉमा एंगल बी इक्वल है एंगल कॉन्करेंट लिख दो ना, एंगल बी कॉन्करेंट एंगल वाई के कॉमा एंगल सी कॉन्करेंट एंगल जेड। ये हो गया एंगल ऑफ सिमिलर, जो उनके एंगल होते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल का, देखो ये वाला एंगल से बनेंगे, ये एंगल से बनेंगे। कब, जब ट्रायंगल आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो इसके एंगल्स होते हैं कॉन्करेंट होते हैं। ओके सर्वांगसम होते हैं, तो ये मैंने बता दिया। अब इसके साइड क्या होते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो देखो ए बी के अपॉन में क्या जाएगा, एक्स वाई, तो ए बी के अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू, फिर बी सी के अपॉन में वाई जेड इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा ए सी, फिर क्या जाएगा ए सी अपॉन में एक्स जेड। ओके यहां पर लिखेंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। ओके ये बहुत जरूरी है, पहले तो हमको क्या करना है, कोई भी दो ट्रायंगल दिया रहा है उसको हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। आफ्टर सिमिलर, हाँ सिमिलर करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि जो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सेम होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ओके और जो उसके साइड्स होते हैं, साइड्स दे आर इन दी प्रोपोर्शन, देखो ए बी के अपॉन में एक्स वाई, बी सी के अपॉन में वाई जेड एंड ए सी के अपॉन में एक्स जेड। तो ये हो गया पूरा जो सिमिलैरिटी का है, हाँ ये टेस्ट हो गया तीन और ये क्या है, ये उनकी प्रॉपर्टीज। ओके
तो ये बहुत ही अच्छे से देखो, समझ लो इसको, अच्छे से देख लो। अगर एक बार नहीं समझ लो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये समझेगा तभी आपको आगे अच्छे से आने वाला है। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा जैसे बोल सकते हो ना, ज्योमेट्री में इसको बहुत ही यूज होता है। कहीं भी देखो मैंने, तो ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपको ये काम करना ही आना चाहिए, और इस चीज बहुत ही आसान है, इसको आराम से कर सकते हो, और ये आपको आता भी होगा अच्छे से काम, बस ये आपको रिवाइंड करने की जरूरत है बस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1.3 पहला क्वेश्चन क्या है इन दी फिगर। देखो फिगर में ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा हो गया, फिगर हो गया। देखो ये यहाँ पे दिया है 75, यहाँ पे दिया है 75, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए। ओके, अब क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री का दिया है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, हमको बताना है इन दोनों में से कौन से दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, और कौन से टेस्ट से, किस टेस्ट से, मतलब हम सीखे SAS AA और SAS AA SSA, ये तीनों टेस्ट से कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ओके, तो और क्या बोला है, और टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्ड, क्या बोला है, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, दोनों का सिमिलैरिटी लिखना है कि किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है। चलो देखो, तो पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल इतना दिया था, तो लिखो ट्रायंगल, देखो ए बी सी, या तो लिखो सी ए बी, ओके एंगल सी ए बी एंड एंगल ट्रायंगल, हाँ देखो सी ए बी एंड सी डी ई, सी डी ई इन ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला पार्ट लिया और ये पूरा बड़ा वाला पार्ट। हाँ अब देखो इसमें से एक चीज तो दिया हुआ है, एंगल ए बी सी कॉन्टेंट है, एंगल ई डी सी के दोनों का वैल्यू कितना है 75 डिग्री। ओके, और सेम एंगल, ओके कहां से आप लिख सकते हो, गिवन है, ये हो गया। अब देखो एक चीज तो हो गया, अब दूसरा एंगल कहां से रखें, देखो इसमें साइड का कुछ तो वास्ता है, साइड आपको दिया ही, तो साइड से कुछ लेना देना है। अब एक एंगल तो मिल गया, दूसरा एंगल ध्यान से देखो, ये देख रहे दोनों में सी कॉमन है, सी क्या है कॉमन, तो एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई सी डी के, यहां क्या जाएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स को मैंने क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम कर दिया है, तो बोथ ट्रायंगल्स का क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो लिखो ट्रायंगल ए सी सी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के, यहां पे रीजन में क्या जाएगा ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बस इतना ही आपको करना है। हमको पूछा था क्वेश्चन में कि सिमिलर है तो किस टेस्ट से, ओके तो हमने दिखा दिया है कि भैया ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये बोथ ट्रायंगल सिमिलर है, और टेस्ट कौन सा, देखो इसमें भी एक एंगल, इसमें भी एक एंगल है, और ये दोनों में क्या है कॉमन एंगल है, तो ए ए टेस्ट से क्या है ये ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे। देखो क्वेश्चन नंबर टू भी सेम है, बस उसमें क्या दिया है साइड दिया है बस इसमें क्या दे दिया आपको साइड दिया है। ओके, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है मैं करा देता हूं, नहीं क्वेश्चन नंबर टू आप कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर थ्री कर दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थ्री भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना है, प्रोपोर्शन निकालना है, प्रोपोर्शन निकाल के क्या करना है उसका चेक करना है कि अगर वो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ बाकी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या दिया है पी क्यू आर एल एम 4 5 3 6 8 है। अब देखो ये निकालोगे आप, क्या निकालोगे पी क्यू अपॉन में एल एम, तो क्या 6 अपॉन में 3 बराबर
टू हो जाएगा, फिर क्यू आर अपॉन में एम एन, देखो क्यू आर अपॉन में क्यू आर अपॉन में एम एन, ओके ये लिया, इसके अपॉन में लिया, थ्री टू जा सिक्स, ओके ये आ रहा था। फिर मैंने क्या लिया, क्यू आर, क्यू आर अपॉन में एम एन तो क्या जाएगा एट अपॉन में फोर, फोर टू जा एट, फिर ले लेंगे पी आर अपॉन में एल एन बराबर टेन अपॉन में फाइव टू जा टेन। अब क्या वन है टू है थ्री, तो फ्रॉम वन एंड टू थ्री कर देंगे, पी क्यू अपॉन में एल एन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एल एन। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, और ये क्या जाएगा टेस्ट कौन सा है, एस 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 टेस्ट खत्म। एरो में ही कर दिया, हो गया खत्म, सिर्फ आपको पहले बताते हैं ट्रायंगल इसमें बस खत्म। अब आ जाओ अब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है, शो इन द फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट एट एंड फोर मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब क्या है, दो पोल ये देखो ये हो गया, इसकी हाइट है इतनी, ये वैसे हाइट फोर है, इसका ग्राउंड सिक्स है, क्यू आर पी सेम, ये देखो सेम है, ये है ये यहां पे, ओके ए इसका वैल्यू एट दिया है, सी बी एंड इसका एक्स दिया है, ओके। इफ द शैडो ऑफ द पोल्स ड्यू टू सनलाइट इज सिक्स मीटर एंड लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल और एट सेम डिस्टेंस। हां मतलब क्या बोल रहा है कि ये देखो ये पोल है एक ये पोल है, दोनों पोल क्या है जो ग्राउंड है जमीन है उसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का शैडो यहाँ पे पड़ रहा है, ओके बराबर। तो ये इसका इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू पूछा है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा लेट पी आर एंड ए सी बी द पोल्स, ओके ये पोल है तो पोल का शैडो ये आएगा, एंड क्यू आर एंड बी सी बी द शैडो ऑफ टू पोल्स, ओके ये काम हो गया। अब बराबर अब क्या करना है, हमको इसको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये क्या है सिमिलर है कि नहीं, पहले हमको सिमिलर बताना है, सिमिलर बताने के बाद हमको क्या करना है, देखो हमको बोल देना दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां पे क्या जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री जो क्वेश्चन है वो वापस देखना क्या बोला है, हाइट फर्स्ट वाले का हाइट 8 है, सेकंड वाले का हाइट 4 है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इफ द लाइट ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉल पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6। देखो जो स्मॉल पोल का शैडो का सनलाइट कितना आ रहा है, ओके और इसका शैडो का सनलाइट कितना होगा, तो हमको यहाँ पे बताना है, जो रीजन दिया लिखो, हाँ यहाँ पे चाहिए तो सबको पहले लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा दी देयरफॉर शैडो 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 ऑफ बोथ पोल्स पोल्स आर एमिट टू दी ग्राउंड ऑन सेम टाइम। क्या हो रहा है, दोनों का शैडो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है जमीन पे पड़ रहा है, इसके लिए क्या हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, दोनों क्या है सिमिलर है, हमको क्या चाहिए क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में ए सी, यहां पर क्या जाएगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल को साइड करते हैं उनके प्रोपोर्शन में चले जाते हैं, देखो इसका वैल्यू क्या है सिक्स है, इसका वैल्यू क्या है एक्स है इज इक्वल टू इसका वैल्यू फोर, इसका वैल्यू एट है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट, हाँ इधर जाए तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट अपॉन में फोर, फोर टू जा एट और x इक्वल टू सिक्स टू जा टू, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये क्या है आपका आंसर है, ओके okay?
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आपका कितना आएगा, आपको बाद में बताना है कि शैडो ऑफ बिगर पोल, देयरफॉर शैडो ऑफ बिगर पोल इज कितना है, 12 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पूछा तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आराम आराम से सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ चलो आ जाते हैं, ये हो गया आपका, उसको नोटन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ये आपका 3 तक हो गया है, आप करेंगे 4। देखो इसमें मेन क्या है मालूम है आपको, जो प्रॉपर्टी हमने देखे ना, जो टेस्ट देखे 3 और उसकी प्रॉपर्टी देखे साइड का और एंगल का, बस यही आपके लिए मेन है। ये आ गया तो आपको हर एक चीज आसानी से आ जाएगी, मेन यही है। तो आप इसके ऊपर क्या करो, फोकस करो अच्छे से और चीजों को समझ के। अगर नहीं समझ रहा बेटा एक बार तो उसको वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखो तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, अब आते हैं 4th पे। ओके, क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है, डायग्राम देख लेते हैं। ओके, यहां से ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर और यहां से ये परपेंडिकुलर है नीचे, पी क्यू ए बी सी। अब क्या वाला है, तीन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी, एंड बोला है बी डैश सी ए डैश क्यू डैश सी। तो देन प्रूव दैट, आपका क्या हो गया, गिवन हो गया टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या दिया है कि सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी के, तो प्रूफ करो। देखो हमको ऐसा बोल के दे, हमको क्या करना है, ट्रायंगल को प्रूफ करना है, फिर उसके बाद कुछ तो वैल्यू दे, फिर सॉल्व करना है। ओके, तो सी पी ए, सी पी ए, तो इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में, देखो पी पे 90 है क्यू पे 90, तो एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी क्यू बी। ओके, ईच 90 डिग्री हमको दिया है, कहां से, फ्रॉम डेटा। ओके, पहला काम तो हो गया। फिर दूसरा देखो, सी पी ए सी क्यू बी दोनों में सी सी क्या कॉमन है, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी क्यू। देखो ए सी पी, ए सी पी मालूम ना, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कॉमन एंगल, ये तो सेम एंगल। ओके, ये हो गया। आप देखो हमने दो चीज को क्या कर दिया है, दो एंगल को सेम कर दिया, तो ट्रायंगल बन जाएंगे ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी के, रीजन में क्या आएगा, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, उसका कुछ वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या दिया है, देखो वैल्यू दिया है, इधर ले लेता हूं ना, वैल्यू दिया है ए पी इज इक्वल टू 7 और दिया है बी क्यू इज इक्वल टू 8 बी सी इज इक्वल टू 12 देन फाइंड ए सी। हाँ, तो जब क्या करना है, यहां से ले लो, इसको बन देता हूं, फ्रॉम 1 क्या है ट्राइंगल सी पी ए, सी पी ए सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू बी से, तो क्या हो जाएगा, इसके जो साइड से प्रोपोर्शन से जाएगा। ओके, तो क्या क्या लेना है, पी ए अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में सी बी, क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो पी ए यानी ए पी का वैल्यू 7 क्यू बी का वैल्यू 8 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है और इसका ए सी का वैल्यू पूछा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 8 इंटू ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12, ये इधर अपॉन में चल जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन में 8, 4 टू जाए 8, 4 3 जा 12, 17 का 21 अपॉन में 2 ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 21 का आधा कितना है 10.5, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना आराम आराम से क्वेश्चन हो रहा है, दम इजिली बिना कोई भी टेंशन के, देख सकते हो आप। पहले मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर करने के, देखो एक एंगल क्या दिया है, बोल के दिया 90 डिग्री है और ये वाला क्या है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ये क्या है
कॉमन है, इसके लिखा हुआ दोनों में एक एक एंगल सेम हो गया, जब सेम हो गया उसके साइड करेंगे प्रोपोर्शन आ जाएंगे, प्रोपोर्शन आएंगे तो हम लोग वैल्यू रखे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ओके अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कट टू कट सेम है, 5 और 6 कट टू कट सेम है, तो चलो मैं 5 करता हूं आप 6 कर लो। ओके चलो आज देखो, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक काम करता हूं मैं इसको रफ करता हूं फिर कराता हूं, क्योंकि कैसा थोड़ा लेंगी वजह तो कहीं गड़बड़ा ना जाए। देखो ये बोलते था ना आप स्क्रीनशॉट मार के रखे रहो ताकि आप उसको बाद में देख सकते हो। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी मस्त है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है देखो ट्रैपेजियम दिया है, देख लो पी क्यू एस आर। अब इसको क्या किया है, इसका एक डायगोनल निकाल लिया है, एक इसका डायगोनल, ओके बीच में लिया है। अब देखो गिवन आप खुद लिख लो, हाँ गिवन आप लिख सकते हो, आपको पता है गिवन लिखना। अब मैं प्रूफ लिखता हूं, प्रूफ करने क्या बोला है, हाँ प्रूफ करने बोला है कि देन प्रूफ दैट एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम पी क्यू, ये हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो हमको ये प्रूफ करना है तो हमने क्या किया, प्रूफ स्टार्ट किया है। चलो तो देखो कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ ट्रैपेजियम। ओके ये क्या है, ट्रैपेजियम है, और हमको बोल के दिया है क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल है एस आर के। ये हमको बोल के देखो ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड किसे बोलता हूं मैं पी आर, पी आर इज द ट्रांसवर्सल। अब देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पी क्यू, हाँ अरे एस आर, ये यहां पे आ गया देखो ये ऐसा है बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या देंगे, ये ना इधर वाला, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या देंगे दोनों, ये हो जाएंगे अल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल क्या जाएगा, नाम कैसे आ गया देखो क्यू पी आर, यहां पर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर कॉन्करेंट एंगल। देखो क्यू पी आर ये वाला क्या, फिर एस आर पी, एस आर पी कॉन्करेंट हो जाएंगे। ओके देखो ना इधर वाला दोनों क्या है, देखो दो लाइन पैरेलल है और एक कोई तो ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, देखो ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल कर देंगे अल्टरनेटिव एंगल, यानी कि एक अंतर को। ओके ये हो गया। ओके अब क्या करना है, यहां पर लिख दो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव एंगल। ओके अब क्या करना, देखो P देखो नाम क्या है क्यू पी आर, क्यू पी आर तक है ना, क्यू पी ए तक ही नाम है, ये एंगल एंगल क्यू पी ए कॉन्करेंट है, और दूसरा क्या है एस आर पी है ना, एस आर पी तक है, तो एस आर ए तक ही रखो एंगल एस आर ए। अब यहां पर क्यों करें, क्योंकि क्या है एस ए क्यों क्या है ए कोलिनियर है, एक और भी ले लो, ये भी नीचे वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, पी ए आर भी क्या है कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, तो मैं नाम को एक नाम आगे ले सकता हूँ और एक पीछे ले सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा रिक्वायर है आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि क्या कोलिनियर है, कोलिनियर में आप एक आगे ले सकते हो और एक पीछे भी कर सकते हो। ओके ये हो गया, अब इसको नंबर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसको क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है। ओके आप ले लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो ये ले लो, हाँ पी क्यू ए एंगल पी क्यू ए, एंड तो पी क्यू ए लियो इसके जस्ट सामने वाला आर एस ए, आर एस ए ध्यान से देखो पी क्यू ए तो आर एस ए, तो पी क्यू ए आर एस ए ये हो गया। फिर क्या करना है इसमें वाले, फिर ले लो एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस आर ए, कहां से फ्रॉम वन से, आपको पता चल रहा है कि मैंने ये चीज क्यों निकाला। ओके मैंने ये चीज इसलिए निकाला ताकि मुझे यहाँ पे इस ये दोनों ट्रायंगल को, हाँ देखो ये वाला ट्रायंगल
ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल क्या करने में कॉन्टेंट करने हमको क्या मदद मिली। देखो एक तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है ये वाला बराबर और ये वाला दोनों एक प्रूफ हो गया। अब बच्चा देखो एक यहाँ प्रूफ है, देखो ये देखो क्या है अल्टरनेटिव एंगल है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो एंगल पी ए क्यू कॉन्टेंट एंगल एस ए आर वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल। अब देखो दो एंगल क्या हो गया, दो एंगल क्या हो गया है सेम हो गया कॉन्क्रेंट हो गया है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो ट्रायंगल ट्रायंगल सीधा क्या भाई ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर है ट्रायंगल एस आर ए एस हाँ आर एस ए सॉरी आर एस आर एस ए कहां से टेस्ट ऑफ ए ए टेस्ट ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो इनके जो साइड्स हैं क्या लेंगे रेशियो में चले जाएंगे। ओके तो हमको चाहिए क्या का सॉल्व करो पहले पी क्यू अपॉन में ये तो पी क्यू के अपॉन में आर एस इज इक्वल टू क्यू ए के अपॉन में क्या हो जाएगा एस ए इज इक्वल टू पी ए के अपॉन में क्या हो जाएगा आर ए क्या हो जाएगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या करना है हमको देखो पीछे कुछ एक और वैल्यू दिया है हमको गिवन डेटा में कि ए एस हाँ एस इज इक्वल टू दिया फाइव टाइम्स पी क्यू हाँ फाइव टाइम ए क्यू दिया ए क्यू ओके एंड दूसरा एक और चीज दिया है ए आर इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ए पी और हमको प्रूफ करने से बोला है एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हाँ एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो चलो मैं ये दोनों को ले लेता हूँ हाँ ये दोनों को ले लो पी क्यू अपॉन में आर एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए एस। ओके देखो ए एस का वैल्यू क्या है फाइव टाइम्स ए क्यू तो पी क्यू अपॉन में आर एस इज इक्वल टू ए क्यू तो ऐसे रहने वाला है ऐसे क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स ए क्यू यहाँ पे दे दो ए एस इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ए क्यू फाइव टाइम ए क्यू हाँ ये फाइव से ये भी क्या है फाइव है ऐसा तो लगेगा। हाँ अब देखो ए क्यू है ना ये दोनों क्या जाएंगे आपका ये ए क्यू ए क्यू ए क्यू कैंसल तो पी क्यू अपॉन में आर एस इज इक्वल टू वन बाय फाइव। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका 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 सर तो आर एस इज इक्वल टू फाइव टाइम्स पी क्यू देखो आर एस इक्वल टू फाइव टाइम्स पी क्यू हेंस प्रूव खत्म। बिल्कुल भी आपको मतलब ज्यादा वो कुछ करने वाली बात है नहीं। देखो पहले मैंने क्या किया ये ट्रायंगल ए ट्रायंगल को सिमिलर है इसके लिए क्या किया देखो ये चीज दिया है कि ये दोनों लाइन क्या है दोनों साइड क्या है पैरेलल है और ये क्या है ये ट्रांसवर्सल हो चाहे तो ये ट्रांसवर्सल और किसको भी एक को ट्रांसवर्सल यानी कि तिरेक रेखा दे सकते हो तो मैंने ये दोनों को पैरेलल लिया इसको ट्रांसवर्सल लिया तो ये वाला एंगल अल्टरनेटिव एंगल हो गया और ये दोनों क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो दो एंगल सेम हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गया कॉन्क्रेंट हो गया। ओके सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स करते हैं रेशियो में जाते हैं प्रोपोर्शन में तो ये हो गया। फिर एच हमको दिया था गिवन कहां से आया गिवन ओके गिवन डेटा से दिया फिर मैंने क्या किया इसका उठा के यहां पर रखा देखो एक ही क्यू कैंसिल फाइव टाइम बचे तो 1.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर मिल गया। ओके सेम कट टू कट क्वेश्चन नंबर सिक्स एकदम कट टू कट क्वेश्चन नंबर क्या है एकदम सेम है आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेम क्या है ये काम तो यहाँ काम सेम करना है ये चीज नहीं दी हाँ ये चीज नहीं दी यहाँ पे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके छोड़ देना है। ओके हम सेम है आप कुछ डरने वाली बात नहीं आप आराम से कर सकते हो आप करो अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताओ मैं आपको वापस से करके दूंगा। ओके तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर जो कि वो भी बहुत ही ईजी है। ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही आराम से आप कर सकते हो बस क्या है आपको ना डरना नहीं डर गए तो मर गए डर गए तो पेपर भी कुछ नहीं कर पाओगे इसके लिए डरना नहीं है लड़ना है और अच्छे से लड़ना और करके दिखाना है। ये एक मौका आपको सुना रहा कि आपको अच्छा क्वेश्चन लाकर दिखाना है आता है क्वेश्चन नंबर सेवन तो डायग्राम पहला है कुछ ऐसा दिया हुआ है ए नीचे तक लिया हुआ है
क्या हुआ, यहां से ये हो गया है बी ए डी सी टी और ए, ओके। और हमको ये देखो गिवेन है, प्रूफ क्या करने वाले, प्रूफ हाँ, प्रूफ में क्या करने बोला है, प्रूफ में बोला है करने डीई इंटू सीई इन डीई इंटू बी दिया, डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टी, ओके। ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, गिवन आप लिख लो जो भी आपको टेस्ट बुक में दिया है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ओके। आपका पहला फर्ज बनता है कि आप गिवन लिख लो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको गिवन लिखने की हैबिट हो चुकी है ऐसा मुझे लगता है। तो चलो आप मुझे निराश नहीं करते, ओके, आप कर सकते हैं। तो हमको क्या करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है, बोल के देख कोऑर्डिनेटर क्या है, इट इज अ क्या है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, तो लिखो कोऑर्डिनेटर ए, हाँ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम के साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये साइड इसके पैरेलल होंगे, तो ए बी पैरेलल है सी डी की, ओके। ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो गया। देखो ये यहां तक है तो मैं इसको यहां तक बढ़ा सकता हूं, ए टी पैरेलल है सी डी के, रीजन ए बी टी क्या है, दिस आर कोलिनियर, क्या है व्हाट इज दिस आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर है। अब देखो ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है, ओके। और मैं बोल सकता हूं कि भैया टी व्हाट इज द क्या है ट्रांसवर्सल, तो लिखो एंड टी डी TD is transversal, okay? Just इसके पहले किए थे। अब जब transversal है तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हाँ ये इधर वाला और ये इधर वाला, देखो ए टी डी एंगल ए टी डी कॉन्क्रेंट एंगल किसके, देखो ए टी डी ये वाला हो गया, अब ये वाला हो गया, हाँ टी डी सी एंगल टी डी सी क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, ओके। अब क्या करना मुझे, देखो ये ए टी डी था तो मैं ले लूंगा बी टी ई, नाम देखो मेरे को ये ट्रायंगल में बात कर रहा, हाँ तो बी टी ई तो एंगल बी टी ई कॉन्क्रेंट एंगल, ये कहता है टी डी ई ना, तो मेरे को ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये वाला क्या आ जाएगा टी डी सी था तो ई डी सी हो जाएगा एंगल ई डी सी। अब क्या देना रिजल्ट दे दो, क्या है ए डैश बी डैश टी हो गया कॉमा टी डैश ई डैश डी हो गया, सब क्या है कोलिनियर, क्या है दिस आर कोलिनियर, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको क्या दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन, क्या है ये इक्वेशन नंबर वन। अब देखो हमको ये ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल क्या हो गया, देखो हाँ बी ई टी, बी ई टी ओके, बी ई टी हो गया, देखो बी ई टी सी ई डी एंड ट्रायंगल सी ई डी, देखो हमको बी ई टी ये वाला ट्रायंगल और ये इधर वाला सी ई डी ये ट्रायंगल में बात करना है, ओके। अब देखो एक चीज हमने पहले से प्रूव किया है, एंगल बी टी ई कॉन्क्रेंट है एंगल सी डी ई के, कहां से फ्रॉम वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये तो हमने पहले से करके रखा, ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये देखो ये एंगल ई ई दोनों से क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिखो एंगल बी ई टी कॉन्क्रेंट एंगल यहाँ पे सी एंगल सी ई डी वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ओके दिस आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दो चीजों का देखो, दो ट्रायंगल, दो एंगल हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, कॉमन कर दिया, सेम कर दिया, ओके। जब भी ऐसे के साथ तो दोनों ट्रायंगल करते हैं, ट्रायंगल बीईटी सिमिलर है ट्रायंगल सीईडी के, ओके। कहां से, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। फिर इनके साइड क्या होते हैं, साइड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, ओके। तो यहां पे हो जाएगा बीई अपॉन में सीई इज इक्वल टू टीई अपॉन में डी, ओके। यहां पे लिखो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन, आ गया है प्रोपोर्शन में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो बीई इंटू डीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई, देख लो डीई इंटू बीई सीई इंटू टूई, ये आ गया है आपका आंसर। देखो कितना इजी है, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है, कोई तो दो ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल देखा, ए ट्रायंगल देखा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे पैरेलल है ये इसके, मतलब सो ये नहीं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अभी दोनों पैरेलल है, ये क्या है, ये दिशा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल, एंगल यहाँ पे क्या होता है अल्टरनेटिव, ओके। तो एक तो ये हो गया, गया। और यहाँ पे दिख रहा क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, आपको जो भी डेटा दिया रहेगा ना उसमें उस चीज को यूज करके आप किसी ना एक एक एंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर यानी कॉन्टेंट प्रूव कर सकते हैं, ओके। देखो मैंने एक ही चीज को देते गए प्रूव करते गया, ये हो गया आपका काम खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर, तो बहुत इजी है, आप ना आराम से कर सकते हो, बस क्या करना है, हर चीज को ध्यान से देखना है, आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये आपको पता, आप हार्ड नहीं, देखो आप मैं कितना इजीली कर रहा हूँ, बस एक एक चीज को लेते करते जा रहा हूँ। इसका एक रूल है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे एक ट्रायंगल क्या होगा, एक एंगल क्या होगा सेम होगा, दो एंगल सेम होगा, तो ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो गया, और सिमिलर ट्रायंगल के साइड करते हैं प्रोपोर्शन होते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालो, ओके। देखो फोर्थ वाला कुछ ऐसा दिया है, शंकर भगवान का क्या है, डमरू है, डमरू डमरू लिख रहा है डमरू, अब क्या है यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे बी सी डी, और यहाँ पे क्या है, और हमको बोल के दिया है सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट पी। देखो ये जो ए सी है किधर गया, ये ए सी एंड बी डी क्या कर रहा है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पर, देन प्रूव दैट ये, और ये और बोल के दिया क्या दिया, इंटरसेक्ट पॉइंट पी एंड क्या बोल के दिया है, यहाँ पे हमको दिया है ए पी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन में डी पी, तो हमको प्रूव करने वाला है, क्या प्रूव करने वाला है, तो यहाँ पे प्रूव करने वाला लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी पी कॉन्केंट है सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। तो चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये हो गया। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए बी बी कॉन्केंट है एंगल सी पी डी के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया पहला का। फिर दूसरा देखो, दोनों हमको दो दो साइड का दिया, इक्वल दिया है, यहाँ पे देता हूं फ्रॉम डेटा ए पी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन में डी पी फ्रॉम डेटा गिवन डेटा, देखो दो साइड सेम है और ये हो गया, तो ट्रायंगल क्या बोला था, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, यहाँ पे साइड क्या जाएगा, साइड एंगल साइड, हाँ साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, देख लो दो से तीन लाइन में खत्म हो गया, क्योंकि देखो एक काम तो हमको पहले से दिया था, दूसरा अपने को पता है कि क्या वर्टिकली अपोजिट है, जब दो चीज हो चुका है, देखो दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है, तो साइड एंगल साइड से क्या होता है, दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्करेंट। अब बचते हैं लास्ट के एक क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम लोग करेंगे लास्ट का क्वेश्चन, ओके। देखिए कितना इजी है, बस आपको क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करते चलना है, ताकि आप कुछ भी फिर हार्ड नहीं लगने वाला है, ओके। ये हो गया है
अब ये एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हम बनेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की और अच्छा कम ऑन फटाफट करना है, हां करना नहीं है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा कर कमाल, बराबर ये दिया है कुछ ऐसा, फिर ये कुछ ऐसा है डी, फिर ये बी है और ये सी है और यहाँ पे और ये हमको दिया है इक्वल किसके बी के। ये भी देखो प्रूफ देते हैं, देखो हमको प्रूफ क्या करने वाला है, क्या करना है प्रूफ ना, प्रूफ में क्या करने वाला है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी के, ये दूसरे हमको प्रूफ करने बोला है। तो सबसे पहले इसी हमको क्या करने वाला है, प्रूफ करने वाला है, ये हो गया। हाँ अब देखो डेटा में क्या कहते हैं, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन बीसी सच दैट, क्या दिया है बोल के दिया है भैया ले लो इन, चलो ठीक है ना गिवन, तो आप यहाँ पे लिख लो गिवन। हाँ आप गिवन लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट प्रूफ करता हूँ ओके। देखो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, देखो हमको क्या करना है, सी ए इक्वल टू बी सी और सी डी, तो बी ए सी और ए डी सी। हाँ तो हमको यहाँ पे ले लो ट्रायंगल, देखो बी ए सी, यहाँ पे नाम चेंज करना, देखो बी ए सी एंड ट्रायंगल, देखो बी ए सी ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल ना, बी ए सी बड़ा वाला, फिर ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी, ये हो गया। ये दो ट्रायंगल में बात करना है, देखो इसमें हमको एक चीज बोल के दिया है, क्या बोल के दिया, एंगल बी ए सी सेम है, सिमिलर एंगल ए डी सी के, कहां से गिवन डेटा है, क्या है गिवन डेटा ओके। ये क्या हो गया गिवन डेटा हो गया। अब इसके बाद क्या करना हमने को, एक काम तो हो गया, दूसरे चीज ध्यान से देखो, दोनों में ए आपको देखो ये सी आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एंगल बी ए बी सी ए बी सी ए सिमिलर एंगल ए सी डी है, अब क्या हो जाएगा दोनों सिमिलर है तो क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, तो सेम एंगल लिख दो, सेम एंगल लिखता हूं मैं, सेम एंगल है तो कॉमन एंगल ओके। ये हो गया, अब देखो दो एंगल क्या होगा, दोनों के सेम होंगे, दो ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम होंगे, तो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, यहां पे क्या आएगा ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ओके। जब ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर, इनके साइड के समान प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो क्या जाएगा देखो ये ए सी इसके बन में हो जाएगा डी सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या चाहिए बी सी इसके बन में क्या हो जाएगा ए सी, देखो मैंने क्या किया देखो ये ए सी और ये डी सी इसके बन में ले लिया, फिर ये बोला देखो ये बोला बी सी उसके बन में ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो क्या होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी ए सी ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा बी सी इंटू डी सी, ये आपका समझो हो गया सॉल्व, देख लीजिए कितना इजी है, आप आराम से देख सकते हो। पहले मैंने क्या किया जो देखो ये तो एंगल दिया था बी ए सी बी ए सी, ये ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल ले, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, और इसमें हमने क्या किया है इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों में इक्वल दिया है, तो मैंने इक्वल बता दिया है गिवन डेटा से, और देखो ये दोनों में क्या है एंगल से क्या है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एंगल है तो सेम एंगल, अब दो एंगल सेम होंगे किसी भी दो ट्रायंगल के तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया उनके जो साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, देखो प्रपोर्शन में आ गया रेशियो में आ गया है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ले लिया है ओके। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होता है। अब आते हैं 1.4, देखो 1.4 का मैं बेसिक यहाँ एक्सरसाइज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.4 के लिए जो बेसिक से मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी काम सेम ही करना है, देखो
ये हो गया आपका और ये हाइट, ये हो गया आपका हाइट। तो बी सी डी यहां पे ए, फिर से ये हाइट पी क्यू आर और एस, ये 90 डिग्री। हाँ, और यहाँ पे ये दोनों सेम दिया है, ये एक सेम दिया है, ये दोनों सेम दिया है और ये एक सेम दिया है। हमको यहाँ पे ऐसा बोल कर दिया है, देखो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि दो दो एंगल क्या है सेम है, दो या तीनों एंगल सेम है तो क्या है दोनों कॉमन है, सेम है। तो ऐसा है तो देखिए क्यों बता के दिया क्या है, ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर, ओके पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर, ये हो गया। अब जब ऐसा है तो हमको क्या करना है, इसलिए वो बोल के दिया है थ्योरम, क्या थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमको साइड क्या है देखो, पहला ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, ये हमको याद रखना है। ओके, जब भी दो ट्रायंगल का जो सिमिलर है, देखो ये क्या बोला है थ्योरम ऑफ, हाँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो दो देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो में लिया है तो देखो पहले वाले का स्क्वायर, फिर से जो इसके पहले देखे था ना कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड से तो वो क्या होते हैं रेशियो हो जाते हैं, और तो यहाँ पे सेम चीज का रेशियो है बट क्या स्क्वायर का हो रहा है, साइड का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, दिस आर वेरी वेरी सिंपल हाँ और इम्पोर्टेंट हाँ, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 की ओर। ओके, देखिए मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ वन शॉट वीडियो में भी, ताकि आपको कोई भी चीज का टेंशन ना हो, बस आराम से आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए और साथ में साथ अपना क्या करें बुक और पेन लेके बैठे रहिए, ताकि क्वेश्चन को आपको करते भी जाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 1.1 स्टार्ट करते हैं 1.4। ओके, तो 1.4 में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, हाँ देखो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो वन क्वेश्चन नंबर वन क्या है, तो पहले मान लेते हैं लेट साइड लेट एस वन एंड एस टू बी द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल एंड ए वन एंड ए टू बी द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली, ये हो गया। और देखो साइड का साइड वन इज टू साइड टू इक्वल टू कितना दिया 3:5, तो हमको पूछा ए वन इज टू, तो ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर अपॉन में एस टू का स्क्वायर, यहां पे जाएगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू सेम रहेगा, इसका वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू 3 3 9 5 5 25, तो ए वन इज टू ए टू इज इक्वल टू 9:25, आ आंसर खत्म। ये हो गया आपका पहला, आवाजा क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, देखो क्वेश्चन सेकंड में बॉक्स है, मैं सेकंड वाला करता हूँ, सेकंड वाला आप कर रहे हो क्योंकि सेकंड वाला सेम एज इट इज किसकी सा है फर्स्ट वाला किसा है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, फिर बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू इतना दिया है कॉमा, थर्ड हो ना, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 और एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 125, दो चीज दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू दिया 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का वैल्यू दिया है 125 बॉक्सेस में। हां तो यहां पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है साइड, हां साइड किसी भी एक साइड ले लो क्योंकि हमको साइड का वैल्यू पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80, यहां पे 125, ये आपका क्या था ब्रैकेट में है, इसको मैं अलग से कर देता हूं, ये आपका क्या है ब्लैंक्स बोला तो मैंने कर दिया, ये देखो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या यहाँ पे आपको साइड आ जाएंगे, साइड में क्या आ जाएंगे, दोनों में क्या जाएंगे साइड आ जाएंगे, साइड क्या है ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर 80 अपॉन में 125, ओके ये है ना। हाँ क्योंकि देखो हमको क्या है साइड दिया ना, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एबी अपॉन में पी क्यू बराबर है। देखो रुक जाओ, हाँ ये इसका वैल्यू दिया है बराबर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके साइड का स्क्वायर हो जाएंगे, ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसे रखो एबी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है ना, तो 16 5 16 85 और 25 25 125 यानी कि 16 अपॉन में 25। अब क्या करो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अब क्या जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, ये आ गया है आपका आंसर। देखो कितना इजी है, बस क्या करना है आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से काम करते रहना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खत्म हो गया, देखो 2 दम सेम इसके जैसा है, वैल्यू दिया आपको क्या करना बॉक्स में फिल करना, ओके। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है 7 तक ही है, तो बस थोड़ा देर और बैठिए तुरंत हमारा काम खत्म हो जाएगा, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एंड क्या बोला है 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, तो क्या बोला है और दिया है क्यू आर का वैल्यू 20 और तो एम एन फाइंड करो। हाँ तो चलो देखो हम क्या करना है, देखो एम एन पहले है तो ये इसके अपॉन में जाएगा, 16 इसके अपॉन में जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो 9 के अपॉन में जाएगा और इधर जाएगा तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, देखो हाँ ये देखो ये इधर इंटीरियर तो डिवाइड में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। इतना काम हो गया, पहला काम तो हो गया और हमें क्या पूछा है क्यू आर और एम एन, तो इससे भी क्या आ जाएगा ये देखो ये हो गया ना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, चलो काम करते हैं, इससे भी क्या आ जाएगा, इससे हो जाएगा एम एन अपॉन में क्यू आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन में 16, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके ठीक आ जाएगा एम एन अपॉन में क्यू आर इक्वल टू 9 अपॉन में 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है 4 का स्क्वायर है, ओके। अब क्या करना, एम एन का वैल्यू फाइंड करने वाला है और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, तो एम एन अपॉन में 20 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो एम एन इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 20, इधर इंटीरियर तो डिवीजन में, तो एम एन इज इक्वल टू 3 इंटू 20 अपॉन में 4, 4 5 20, तो एम एन इज इक्वल टू 5 3 15, तो आई एम एन का वैल्यू कितना 15, ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम इजी है, देखो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स
क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्रायंगल 12, फाइंड द करस्पोंडिंग बिगर साइड। हां देखो सेम दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। देखो लेट S1 एंड S2 बी द टू साइड्स एंड A1 एंड A2 बी द टू एरियाज ऑफ गिवेन ट्रायंगल। क्या तो हमको क्या वाला है, और देखो जो वैल्यू दिया लिख लो, तो S1 कितना दिया है, दोनों का एरिया वन एरिया टू दिया, एरिया वन इज इक्वल टू दिया है 225, एरिया टू इज इक्वल टू दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या दिया है, स्मॉलर का दिया, स्मॉलर यानी कि S1 इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, S1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो S2 क्या क्या है पूछा है, तो यहाँ पे लिख दो भैया A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन में S2, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, प्रोपोर्शन में, तो इसका वैल्यू कितना है 225 अपॉन में 81 इज इक्वल टू 12 अपॉन में S2, ये 12 का स्क्वायर है और ये S2 का स्क्वायर है, तो दोनों क्या करो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में S2 इज इक्वल टू 225 किसका है 15 का और 81 किसका है 9 का स्क्वायर है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां कर देता हूं मैं, तो हो जाएगा S2 इंटू 15 इज इक्वल टू 9 इंटू 12, तो यहां क्या जाएगा S2 इज इक्वल टू, हाँ S2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 इंटू 12 अपॉन में 15, देखो 3 5 15 3 4 12, ओके तो S2 इज इक्वल टू 9 चौक 36 अपॉन में 5, तो 36 को क्या करो 5 से डिवाइड दो, 5 6 जा 30 5 7 जा 35, तो 10 तो 0.05 10, यहाँ पे क्या रहा है S2 इज इक्वल टू रहा है 7.2 सेंटीमीटर। तो लास्ट में रीजन देने का, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 7.2 सेंटीमीटर। वो कितना इजीली हो गया आपका सम सॉल्व, कुछ भी डरने वाली बात है नहीं, बहुत ही आराम से आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व हो गया है, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन 6 और 7। आप देख रहे हो दो दो चीज दिया है, तीन तीन चीज दिया है, एक एक चीज पूछ रहा है, तो ये तो आप भी एकदम आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि देख रहे हो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जितना बोला गया उतना करना है, और प्लस माइनस भी थोड़ी सी आपको पकड़ होनी चाहिए, ओके, क्योंकि हर जगह आप प्लस माइनस का ही खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल तो करेंगे एंगल्स, एंगल ए कॉन्टेंट एंगल बी और एंगल ए इसके इक्वल है एंगल सी, इसके इक्वल एंगल डी, इसके इक्वल एंगल ई, इसके इक्वल एंगल एफ, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। हम लिखने का एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, तो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला है, काम जो जो दिया उसके हिसाब से करते रहो, जितना आपको मिला है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का वैल्यू क्या दिया है 1:2 और ए बी का वैल्यू दिया है 4, तो डी ई फाइंड करो। अब देखो दोनों ट्रायंगल देखो सेम है ना, हाँ तो यहाँ पर बताओ, हाँ ये आपका क्या गिवन है, ये आपका गिवन है, इसको मत देखो, जो मैं पहले इसके आगे बताऊँ, हाँ ट्रायंगल अभी काम करो, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, क्योंकि सिमिलर नहीं दिया ना, हमको सिमिलर करना पड़ेगा, हाँ तो ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, बराबर किसे ए ए टेस्ट, आपको दिख रहा है ना सामने सब कितने सब तो सेम ही है, कोई भी दो एंगल ले लो टेस्ट से क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो इनका क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ई, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना दिया 1/1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है ए बी का वैल्यू दिया 4 का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर इससे लेने वाला है ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो जाएगा डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू के 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना देता है 16 बराबर, तो डी चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड क्या जाएगा डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 4 बाहर आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि देखो 16 4 का स्क्वायर है तो 4 तो बाहर आएगा लेकिन 2 क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा ओके, तो कितना आ गया है 4√2 कितना आ गया 4√2, तो ये भी आंसर क्या है 4√2 के एकदम करेक्ट है, ये आपका आंसर हो गया 6 का आंसर आ गया है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 7, देखो एकदम मस्त है हां, ये वाला आप नहीं लिखो ये तो मैंने जो गिवन था वो लिख दिया, अब गिवन पहले लिख लो हां, ये गिवन वाला पार्ट ये इतना दिया है इसे क्या होगा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ट्रेंट सिमिलर हो गया क्योंकि ईच एंगल कितना 60 डिग्री तो दो दो एंगल क्या है दोनों में तो सेम ही है तो सिमिलर हो गया तो इसके जो साइड्स हो गए क्या हो गया रेशियो में आ गया इनके साइड का स्क्वायर हो गया फिर वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दो बस सिंपल ओके। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी आप बोल सकते हो इस चैप्टर का हां, तो मैं इसको थोड़ा सा और जगह बना लेता हूं ताकि आपको क्या हो एकदम आराम से हर क्वेश्चन हो सके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले डायग्राम कुछ ऐसा है ये कुछ ऐसा है ये हो गया आपका डायग्राम फिर ये कुछ ये ऐसा है डी पी क्यू ई और यहाँ पे देखो गिवन में क्या कह दिया आप गिवन लिखो हाँ गिवन में बोला है इन ट्रायंगल डी ई एफ क्या है डी ई एफ ओके हमको क्या बोल के दिया है पी क्यू पैरेलल है डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट और पी एफ इज इक्वल टू 2 × dp ये भी दिया है देन हमको बाकी क्या बोला एक्टिविटी पूरा करने बोला ओके तो पहले हमको जो फाइंड क्या करने वाला है एरिया क्वाड्रिलेटर हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमको क्या बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई डी पी क्यू ई क्या करना हमको फाइंड करना इसके लिए एक्टिविटी दिया है आप क्या एक्टिविटी कर सकते हो तो पैसा भी कर सकते हो तो देखो सबसे पहला काम तो जो दिया सबसे पहले मैंने लिख लिया है ओके अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा लेट सपोज करना पड़ेगा देखो छोटे वाले का एरिया दिया हुआ है और हमको ये वाला एरिया चाहिए हाँ तो ये वाला एरिया कब मिलेगा जब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट बचेगा ओके देखो ना ये बड़ा वाला क्या है डी ई एफ इसका एरिया निकाल देता हूँ इस एरिया में से पी क्यू एफ एरिया में माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा ये वाला एरिया मिल जाएगा तो देखो इसका एरिया तो दिया हुआ है अब बड़े वाले का निकालना है तो बड़े वाले का निकालना तो इसका ये साइड ये दोनों ये पूरा साइड निकालना पड़ेगा आपको फिर यहां से इसका साइड निकालना पड़ेगा ओके तब जाके आपको एरिया मिल जाएगा ओके चलो जो एक्टिविटी दिया उसको हम लोग क्या करते हैं पूर्ण करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या कह लिया देखो ये डीपी है डीपी डीपी इज इक्वल टू मान लिया है क्यों माना है क्योंकि यहां पे देखो यहां पे बाकी हमको दिया है तो हमको पीएफ मिल जाएगा तो ये पीएफ मिल जाएगा ये एक्स मिल जाएगा तो ये पीएफ मिल जाएगा ये हो ये भी ये मिल जाएगा तो ये दोनों को प्लस कर दो मुझे डीएफ मिल जाएगा बड़ा वाला ओके इसके लिए हमें इसको ए मानना है तो क्या दिया है पी अच्छा यहां पे दिया है ना डीएफ रहा ना हां तो यहां पे क्या जाएगा पीएफ इज इक्वल टू क्या 2 × dp का वैल्यू कितना है पहले लिखता हूं डीपी यहां पे जाएगा 2 × x
यानी कि PF का वैल्यू क्या आ गया है 2x। देखो PF मिल गया है और DP मिल गया है, तो DF इज इक्वल टू क्या जाएगा PF प्लस DP, तो जाएगा 2x प्लस x, तो DF इज इक्वल टू क्या गया 3x। तो ये मुझे DF का वैल्यू क्या मिल गया यहां से लेकर यहां तक का 3x, इसका वैल्यू 2x, इसका वैल्यू ओके। एक काम तो हो गया अपना, ये पार्ट तो निकल गया ओके। अब क्या करना है, देखो हमको एक चित्र मिल गया ना, अब हमको दो ट्रायंगल को क्या करना है सिमिलर करना है। अगर मैं सिमिलर करता हूँ उसके एरिया मेरे को फटक से मिल जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो ट्रायंगल क्या लूंगा एक बड़ा वाला एक छोटा वाला लूंगा। देखो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो लिखो ट्रायंगल, देखो जिसमें लिख के ध्यान, ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू। देखो एफ डी ई एफ पी क्यू ये ट्रायंगल ले, देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों? देखो दो साइड क्या है पैरेलल है, तो ये इस पे लाइन, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड, क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहाँ पे भी हो जाए यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पे लिखो एंगल एफ डी ई कॉन्वेंट है एंगल एफ पी क्यू, फिर यहाँ पे भी दोनों में लिखो एफ क्यू एफ ई डी कॉन्वेंट है एंगल एफ क्यू पी ओके। तो यहाँ पे क्या दोनों रीजन क्या है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो इसमें बॉक्स करते हैं, मैं बॉक्स नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो अभी ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर है ट्रायंगल एफ पी क्यू के, क्या हो जाएगा ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ओके, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये हो गया। अब इसको क्या करना, जब ये हो गया तो जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, जब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तो इनके साइड्स क्या हो जाएंगे रेशियो में चले जाएंगे, रेशियो मतलब ये यहाँ ये वाले हिसाब से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, अब दोनों का कोई भी साइड ले लो, जो साइड दिया उसको ले लो ना, बड़े वाले देखो बड़े वाले का दिया है और छोटे वाले का दिया है, तो लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखो यहाँ पे जाएगा डी एफ का स्क्वायर अपॉन में जाएगा पी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ओके। तो यहाँ पे क्या जाएगा इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन, देखो दिया है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या दिया है पी क्यू एफ, पी क्यू एफ इसका दिया है, एरिया ऑफ डी एफ ई डी एफ अपॉन में इसका वैल्यू कितना दिया है 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे डी एफ है ना, डी एफ का वैल्यू क्या है डी एफ बड़ा वाला है यानी कि 3x अपॉन में 2x, देखा देखो हाँ बड़े वाले का डी एफ का वैल्यू 3x, छोटे वाले का 2x ओके। देखो ये एक्स एक्स कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में 20 इक्वल टू 3 जाना 2 जा 4 ओके। अब क्या करना है इसको, इसको हमको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, एक काम करो स्पीड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई या तो ई डी एफ जो भी रहेगा, क्या जाएगा 9 अपॉन में 4 इंटू इधर 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 डिवीजन इधर, तो इंटू 20, तो 5 4 जा 20, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 5 जा 45, कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 45 ओके। तो हमने देखो बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू कितना निकाल लिया है 45, चलो यहाँ पे कर लेते हैं हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, क्या चाहिए एरिया, एक काम करो यहाँ पे ऊपर ले लेगा, चलो मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, चलो यहाँ पे चलो यही पे लेता हूँ, वहां पे कैसा लगेगा कहाँ से आ गया चीजें। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या चाहिए डी पी क्यू ई इज इक्वल टू, ये चाहिए ना, ये कैसे मिलेगा बड़े बड़े ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एफ पी
क्यू, इसका वैल्यू कितना है 45, माइनस का कितना दिया था 20 दिया, तो 45 में से 20 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 25। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर DPQE इज इक्वल टू कितना जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। यह आ गया आपका, यह आ गया आपका आंसर। कितना मस्त है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। देखो कितना मस्त है, देखो मैं ये क्वेश्चन को वापस समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही, देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें बॉक्स बॉक्स बनाया, तो मैंने बॉक्स में बताया, मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। आपको जहां पे बॉक्स रहेगा वहां पे बॉक्स कर लेना, अदरवाइज विदाउट बॉक्स है तो आप ऐसा सॉल्व कर दो। ओके देखो हमको क्या है, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो मैं इसको कलर करता हूँ। ये जो छोटा ट्रायंगल हमको इसका वैल्यू दिया है हाँ, और हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है इसको मैं कलर इससे करता हूँ, हमको ये वाला पूछा है हाँ, ये वाला पूछा है। तो ये वाला कब मिलेगा, जब मैं टोटल बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करूं तो ये मिल जाएगा। ओके तो एक का तो दिया है और कुछ वैल्यू भी दिया है। ओके देखो जो जो दिया छोड़ दिया है, अब लेट डीपी इक्वल टू एक्स मान लिया है, ये भी दिया है। अब डीपी इक्वल टू एक्स क्यों मान, क्योंकि यहां पे दिया डीपी का वैल्यू। ओके तो यहां पे डीपी का वैल्यू एक्स रख दिया, देखो 2 × x 2x हो गया, पीएफ का वैल्यू 2x हो गया। अब पीएफ मिल गया डीपी मिल गया, देखो ये डीपी का वैल्यू एक्स है और पीएफ का वैल्यू 2x है, तो ये दोनों को प्लस करो तो डीएफ मिल जाएगा। देखो तो डीएफ इज इक्वल टू पीएफ प्लस डीपी, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो हमको ये बड़ा वाला मिल गया। ओके इसके बाद ट्रायंगल ले लो, देखो एफ डी ई ट्रायंगल है, एफ पी क्यू ये ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या सिमिलर, इसको क्या प्रूफ करना है सिमिलर। ओके देखो ये ले लिया, अब इसे देखो ये एंगल कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या सेम होता है, ये एंगल करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो देखो मैंने क्या किया, दो एंगल को सेम कर दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके तो दोनों सेम हो गए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, क्या हो गए सिमिलर, क्या हो गए सिमिलर हो गए विद द कौन से टेस्ट से, AA मींस एंगल इन द टेस्ट हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पहले वाले के रेशियो को दूसरे वाले के रेशियो उनके साइड का स्क्वायर। तो देखो साइड का स्क्वायर प्रोपोर्शन, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, देखो इसका रख दिया, इसका रख दिया, एक्सेस कैंसिल, इसका स्क्वायर 3 × 9, इसका स्क्वायर 2 × 4 ये 20 है। फिर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई का वैल्यू 45 आ गया। अब देखो बड़े वाले का क्या आ गया, 45 आ गया, छोटे वाले का 20 है, तो बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो ए मिल जाएगा। देखो एरिया क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो 45 माइनस 20 इक्वल टू 25, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2। ओके वो क्या पाइथागोरस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपका जो कमेंट है ना वो हमको हम क्या मिलता है अंदर से एनर्जी देती है। ओके तो प्लीज आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहुंचते रहे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।